नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक बार फिर से बिहार में कोरोना को लेकर जांच को सख्ती से लिया जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना से जुड़ी जो जांच होती थी, जो यात्री बाहर से आ रहे थे उनकी जांच को लेकर कड़े नियम बनाने की बातें दोबारा की जा रही है। ये खास तौर पर उन यात्रियों के लिए कहा जा रहा है जो फिलहाल केरला से लौट रहे हैं। बताते चले कि केरल में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आ गया है, जो कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जो भी यात्री केरल से बिहार तक का सफर तय कर रहे हैं, ऐसे यात्रियों की जांच पर विशेष जोर देने की बात की जा रही है, ताकि उनकी वजह से बिहार में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण में तेजी ना देखने को मिले। बताते चले कि बीते दिनों से केरल से कई यात्री जो है वो बिहार को लौट रहे हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं कराई जा रही थी। ऐसे में 24, 25 और 26 अगस्त तीनों ही दिन केरल से यात्री बिहार को आए हैं, लेकिन जांच नहीं कराई गई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 27 अगस्त के दिन से जितने भी लोग केरल से बिहार आएंगे, उनकी स्टेशन पर ही RT-PCR जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ ऐसे अगर कोई मिलते हैं जिन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो उन्हें आइसोलेशन के लिए भी भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर कई ऐसे जंक्शन है, कई ऐसे स्टेशन है जहां पर जांच की तैयारियां शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ एक चिंता का विषय ये भी है कि बिहार में जहां कोरोना की वजह से होने वाली मौतों पर रोक लग गई थी, तो वहीं अब पटना एम्स में एक 45 वर्षीय शख्स की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। खबर में आगे बात करेंगे कि यात्रियों के लिए क्या तैयारियां की जाने वाली है जांच की। साथ ही साथ इस वक्त बिहार में कोरोना की जो तस्वीर है वो फिलहाल कैसी नजर आ रही है, प्रदेश में कितने एक्टिव मरीज हैं। केरल में कोरोना विस्फोट के बावजूद बिहार आने वाले लोगों को लेकर अब तक कोई तैयारियां नहीं थी। 24, 25 और 26 अगस्त को एक ही ट्रेन केरल से बिहार आ चुकी है, लेकिन अब 27 अगस्त से रैपिड एंटीजन जांच शुरू कराने का दावा किया जा रहा है। तैयारी पटना जंक्शन पाटलिपुत्रा की है, जबकि तीन अलग अलग दिन चलने वाली ट्रेनें केरल से झाझा, कीउल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, राजेंद्र नगर, पटना आरा बक्सर में पैसेंजर उतार चुकी है। इस संबंध से सवाल पर DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार रात को ये बताया कि शुक्रवार से पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, दानापुर जंक्शन और पाटलिपुत्रा स्टेशन पर केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिव मिले लोगों को आइसोलेशन सेंटर भेज देने की तैयारी भी हो रही है। केरल और महाराष्ट्र के यात्रियों की जांच के लिए एयरपोर्ट और स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, ताकि उन्हें लाइन में लगाकर उनकी कोरोना जांच ठीक तरीके से की जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि पटना जंक्शन, दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर जांच के लिए लैब टेक्नीशियंस और ANM की टीम तीन पाली में तैनात रहेगी। जिन यात्रियों की रिपोर्ट एंटीजन में पॉजिटिव आएगी, उन्हें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। बताते चले कि फिलहाल जिस तरीके से केरल से यात्री बिहार में लौट रहे हैं, कोरोना को लेकर एक बार फिर से सचेत हो रहे हैं लोग। अब बिहार हेल्थ विभाग के अगर आप माने तो बीते 24 घंटों में कुल 1,55,804 कोरोना सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 7,15,894 मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं, और वर्तमान में COVID-19 के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 106 है। बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट जो है वो 98.63% है। बताते चले कि एम्स पटना में इतने दिनों बाद कोरोना की वजह से मौत हो जाने के बाद एक बार फिर से प्रशासन जो है उनके बीच में थोड़ा बहुत भय का माहौल तो नहीं, मगर चिंता का माहौल जरूर बना है, क्योंकि केरल से भी कई यात्री जो हैं वो बिहार लौटे हैं और कई यात्रियों की जांच फिलहाल नहीं कराई गई है। लेकिन 27 तारीख से ही जितनी भी ट्रेनें केरल से आने वाली और साथ ही साथ जो भी यात्री केरल और महाराष्ट्र से एयरपोर्ट के जरिए भी बिहार लौटने वाले हैं, उनकी भी जांच कराने की तैयारियां हैं। उन पर जोर दिया जा रहा है, वो तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी लापरवाही की वजह से बिहार में एक बार फिर से कोविड संक्रमण जो है वो तेजी ना पकड़ ले, ताकि बिहार हर स्थिति में सुरक्षित रहे। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटी से ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।